नमस्कार दोस्तों, पूजा फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं ये संडे स्पेशल ब्लॉग बना रही हूँ दोस्तों। और पिछला एक हफ्ता से हमारी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी बहुत तबीयत ख़राब थी, फीवर वगैरह आ गया था। और मेरा ही नहीं, मेरे बच्चों लोग को भी तबीयत ख़राब हो गई और मेरे हस्बैंड का भी तबीयत, मतलब सबको फीवर सर्दी खांसी इस तरीके से हो गया। और मैं जब डॉक्टर के पास गई ना, और डॉक्टर साहब यही बोले कि घर में एक आदमी को हो गया है ना, तो मान के चलिए ना कि सबको धीरे धीरे होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, 3-4 दिन में आप लोग ठीक भी हो जाइएगा, यही हमको डॉक्टर साहब बोले। और सच में रियल में यही हुआ। मैं वहाँ से आई दवा लेकर के, रात में मेरा बेटा को फीवर आ गया, उसके अगले दिन मेरे बेटे को फीवर आ गया, उसके अगले दिन मेरे हस्बैंड को फीवर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग डर गए और काफ़ी मतलब अपने आप पर ध्यान देना ज़रूरी हो गया, कि मतलब अभी ध्यान देना बहुत जरूरी, कुछ भी थोड़ा सा भी सर्दी खांसी होता है तो मतलब डर लग जाता है, चाहे नेचुरल ही क्यों नहीं हो या वातावरण के, चाहे अपने वातावरण के चलते हुआ हो, फिर भी आदमी को डरना चाहिए। तो हम लोग काफ़ी अपने आप को मतलब ध्यान दिए। और हम लोग, मेरे हस्बैंड को भी मैं बोली कि अपना भी यूट्यूब चैनल पर काम मत करिए, और हम तो छोड़ ही दिए, मतलब मोबाइल से दूर ही हट गए। तो अब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि हम बाहर तो गए थे, थोड़ा सा हल्का घूम कर आए हैं, थोड़ा सा धूप निकला था तो मैं गई थी घूमने के लिए, बच्चों लोग को ले गई थी, लेकिन मेरे को वहाँ हिम्मत नहीं हुआ कि मैं मतलब शूट करूँ, क्योंकि मुझे अभी कमज़ोरी है। मैं अभी 70% ही ठीक हुई हूँ, 30% अभी 2-4 दिन लगेगा दोस्तों ठीक होने में। तब तक क्या है ना कि हमारी बेटी का बर्थडे आ रहा है, 20 जनवरी को हमारी बेटी का बर्थडे है, और बच्चे काफ़ी खुश हैं बर्थडे आने से। और 8 दिन में तो घर का तो ऐसा कचरा बना हुआ है कि मतलब घर की सफाई करनी ज़्यादा ज़रूरी है मुझे रेसिपी शूट करने से पहले। तो जो भी मैं घर का सफाई करूँगी उसी का ब्लॉग में बनाकर शायद डालूँगी। तो ये देखिए, हमारी बेटी जो है अपने बर्थडे के लिए इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बनाई है, इसमें दूध, बिस्किट, बैलून, गिफ्ट, कलर बॉक्स और सब चीज़ लिखी हुई है, अपने जेम्स सजाने के लिए, स्टिकर, हर चीज़ लिखी हुई है, बच्चे के हिसाब से अपना लिखी हुई है। और बोली कि मम्मी मेरा ना ब्लॉग में ना ये दोस्तों लोग को दिखा देना कि ये परी का बर्थडे का लिस्ट है। हम बोले ठीक है, हम ज़रूर दिखा देंगे। तो बच्चे काफ़ी खुश हैं। और मैं सोची कि अगर बाहर का नहीं कुछ ब्लॉग में शूट कर पाई हूँ तो चलती हूँ घर में ही मतलब शूट कर लेती हूँ, और बाहर का हर छोटा छोटा फुटेज ले करके और उसको क्लिप को जोड़ना और एडिट करना काफ़ी टाइम लगता है, और अभी हम नहीं कर पा रहे हैं उतना चीज़, मतलब ये आँख पर, ये सर में मतलब वो हो रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं करूँ एडिट। तो मैं सोची बैठ के एक शॉट में बोल दूँगी और जल्दी से अपलोड हो जाएगा वीडियो। और मैं सोची कि अगर आज से मैं शुरू कर दूँगी ना तो ये मेरा कंटिन्यू काम चल, मतलब कंटिन्यू काम कर पाऊँगी। बोलते हैं ना कहीं ऑफिस ज्वाइनिंग कर लो या काम ज्वाइनिंग कर लो तो थोड़ा सा उधर ध्यान भटक जाता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा ध्यान जो है, ये जो मुंह जो तीखा तीखा हो गया है ना इधर से भट के, क्योंकि ये मुंह जो तीखा हो जाने से ना बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, खाना खाने में पेट नहीं भर रहा है, सबसे बड़ी बात है, कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, पेट नहीं भर रहा है और पेट में भूख भी लगी रहती है और स्वाद नहीं आने के कारण मतलब पेट नहीं भर रहा है। तो मेरा हाल ये हाल है, तो बच्चों लोग का भी, मेरे हस्बैंड का भी, सबका यही होता है फीवर होने से। तो खैर 2-4 दिन में हम लोग ठीक हो जाएंगे। आप लोग गॉड से प्रे करिए कि हम लोग सब लोग, आप सभी भी और हम लोग भी स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो को एंड करती हूँ, और आज का ब्लॉग में तो मैं इसी के साथ आज का ये ब्लॉग बन मतलब रखती हूँ। और ये वीडियो बनाने का मतलब एक ही है कि अंदर से मोटिवेट आए। ये वीडियो खास कुछ समझिए तो मैसेज नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत कुछ मैसेज दे रहा है कि हमें थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो काम में ज़रूर जुड़ जाना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आदमी जल्दी ठीक हो जाता है, ध्यान भटक जाता है ना, तो और किसी से बात कर लो तो अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।